हेलो गाइस, मेरा नाम है रवि और स्टडी ग्लो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप यहाँ पे पीछे देख रहे हैं एस्ट्रोनॉट। आप देख के यही सोच रहे होंगे कि इनकी ज़िंदगी कितनी बेहतरीन होती है। ये ब्रह्मांड में जाते हैं, पूरे ब्रह्मांड को देखते हैं, स्पेस में जाते हैं और स्पेस को देखते हैं। क्या नज़ारा होता होगा, इनकी लाइफ कितनी बढ़िया होती होगी, इनकी लाइफ कितनी बेहतरीन होती होगी। हम तो यहाँ ज़मीन पर हैं, हम तो वहाँ पर कभी जा ही नहीं सकते, लेकिन ऐसा नहीं है। इनको भी बहुत कुछ झेलना पड़ता है, इनके बॉडी में बहुत कुछ बदलाव आता है। आपने अभी न्यूज़ देखा होगा कि उसमें जो चाइना के एस्ट्रोनॉट थे वो 6 महीने क्या हुआ था स्पेस में रह के आए थे। नासा इससे पहले भी भेज चुका है, उनके भी जो एस्ट्रोनॉट थे वो स्पेस में 6 महीने रह के आए थे, लेकिन जब वो वहाँ से होके आते हैं तो उनके शरीर पे बहुत कुछ असर होता है, उनके दिमाग पे बहुत कुछ असर होता है और साथ ही साथ उनको बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो आज हम ये जानेंगे कि उनके शरीर पे क्या असर होता है जब वो स्पेस में रह के आते हैं और क्या क्या उनके शरीर में बदलाव होता है और किन किन दिक्कतों से उन्हें सामना करना पड़ता है। देखिए, एक जो दिक्कत है, सबसे बड़ी दिक्कत थी, मैं आपको बता दूं कि 2007 में क्या हुआ था, एक एक्सपेरिमेंट हुआ था मार्स 500 करके एक एक्सपेरिमेंट हुआ था। उसमें क्या होता है कि वैज्ञानिक इस बात को जानने के लिए काफ़ी ज़्यादा वो होते हैं, इंटरेस्टेड होते हैं कि जो एस्ट्रोनॉट तो जा रहे हैं वहाँ पे, रह रहे हैं, लेकिन रह के आएंगे, उनके शरीर में जो बदलाव हो रहा है वो क्यों इतना ज़रूरी है। ये इसलिए इतना ज़रूरी है दोस्तों कि मैं आपको बता दूं कि अब नासा हुआ, स्पेस एक्स हुआ, ये हर कोई अब चाह रहा है कि हम मंगल ग्रह पर कॉलोनी बसाएँ, हम मंगल ग्रह पर क्या करें, वहाँ पर इंसानों के लिए जाके रखें। लेकिन ये तो चलो सोच लिया, वहाँ पे चले भी जाएंगे, भाई टेक्नोलॉजी ऐसी है, लगातार जिस हिसाब से काम करो चले भी जाएंगे, लेकिन वहाँ से जाने से पहले, वहाँ जब इंसान रहे उससे पहले तो हमको ये पता हो कि वहाँ जाने पे क्या क्या दिक्कतें आएंगी। तभी तो अगर हमको जैसे पता होगा कि वहाँ पर जाने पर इंसान को ज़्यादा वोमिटिंग होती है, बीमार होता है, तो उस हिसाब से हम क्या करेंगे, उनको दवा दे सकते हैं, उस हिसाब से इंजेक्शन दे सकते हैं, उस हिसाब से उनको प्रॉपर तैयार कर सकते हैं, वैसे इन्वायरमेंट में तैयार कर सकते हैं। तो इसलिए क्या होता है कि वैज्ञानिक क्या कर रहे हैं, लगातार डेटा इकट्ठा कर रहे हैं कि जब हमारे एस्ट्रोनॉट वहाँ पर जा रहे हैं 6 महीने 7 महीने रह के आ रहे हैं तो उनको क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि 6-7 महीने रहेंगे और पता चला 8वें महीने में मर ही गए, ऐसी दिक्कत तो नहीं आ रही है, उनके ब्लड में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। तो इसी को जानने के लिए दोस्तों वैज्ञानिक क्या कर रहे हैं, लगातार एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, लगातार एस्ट्रोनॉट को स्पेस में भेज रहे हैं, ठीक है, ताकि वो क्या करें, मल्टीप्लैनेटरी बन सकें, मंगल ग्रह पे भी कॉलोनी बसा सकें जब बसाने की बारी आए, उसके बीच में कोई दिक्कत ना आए, उन सारी दिक्कतों को अभी ही सॉल्व कर लिया जाए। तो उसी के तहत 2007 में मार्स 500 करके एक मिशन, मतलब एक एक्सपेरिमेंट हुआ। उस एक्सपेरिमेंट में देखा गया कि जो ट्रेवलर थे उनको क्या दिक्कत आ रही थी। तो जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, ये एक्सपेरिमेंट लगभग 5 साल तक चला। कितना चला दोस्तों? 5 साल तक चला। अब 5 साल तक चलने के बाद उनको ये पता चला, जब एस्ट्रोनॉट वहाँ से क्या होते हैं, वापस आते हैं धरती पे, वो बहुत ज़्यादा डिप्रेसिव होते हैं, इतना ज़्यादा डिप्रेसिव होते हैं जिसकी कोई हद नहीं। वहीं कुछ एस्ट्रोनॉट ये भी बताते हैं, कुछ एस्ट्रोनॉट ये भी चर्चा करते हैं कि उनको दिक्कत ये होती है, ठीक है, उनको दिक्कत ये होती है कि जैसे उनका मन करता है कि लोगों को मार डालें, मतलब जहाज को तोड़ दें, सबको ख़त्म कर दें। उनके मन में ऐसे भी ख्याल आते हैं, उनके मतलब एक तरीके से जानवर की तरह ये बिहेव करने लगते हैं। आप पूछेंगे, अरे सर, लेकिन ये उस टाइम पे कैसे पता चला? देखिए, उससे पहले भी जैसे बहुत सारे मिशन हुए हैं, बहुत सारे एस्ट्रोनॉट जाते हैं, तो उन सब के बारे में उनसे लगातार बातचीत करते हैं और उसके बारे में पता लगाते हैं, ठीक है दोस्तों। वहीं पर दोस्तों एक और हुआ था एक्सपेरिमेंट, ठीक है, 7 महीने जो था उसमें गहन अध्ययन हुआ, ठीक है। ये क्या हुआ था, उसमें इन्होंने क्या किया, 12 एस्ट्रोनॉट को लिया, ठीक है दोस्तों, 12 एस्ट्रोनॉट को लिया और ये उन्होंने क्या किया, उनके दिमाग को क्या किया, प्रॉपर उस पर काम करना चालू किया, उनके दिमाग को स्कैनिंग करना चालू किया, जिसको बोलते हैं ब्रेन इमेजिंग करके बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। ये एक तकनीक होती है जिसके द्वारा क्या करते हैं, ये ब्रेन के जो ऊपर के जो वो इमेज होते हैं उनको लगातार ये देखते रहते हैं। तो जो एस्ट्रोनॉट आते थे ये क्या करते थे, लगातार उस पर मतलब लगातार ये काम कर रहे थे, 10 दिन मतलब 7 महीने तक इन्होंने क्या किया, लगातार उन पर काम किया। ये क्या करते थे, हर 10 से 15 दिन में क्या करते थे, एक नया ब्रेन इमेज लेते थे और 7 महीने तक ही लेते गए। तो उन्होंने देखा कि जो उनके ब्रेन का जो ढांचा था, जो ब्रेन की डिजाइन थी, जो धरती पे थी, अब वहाँ पे जब ये होके आते हैं तो उनके ब्रेन की जो डिजाइन थी काफ़ी ज़्यादा चेंज हो जाती है। क्यों चेंज हो जाती है, वैज्ञानिक ये इसमें पाते हैं कि एक प्रॉब्लम थी न्यूरो प्लास्टिसिटी की। क्या होता है दोस्तों, जब इंसान
स्पेस में जाता है, जैसे ये अंतरिक्ष में जाता है उस टाइम पे क्या होता है, वहां पे बहुत ज्यादा रेडिएशन होता है, बहुत ग्रेविटी वहां पे कम होता है, तो बॉडी क्या करती है अपने आप को, ब्रेन क्या होता है अपने आप को समझ जाता है कि यहाँ पे रेडिएशन आने वाला है, और ये क्या करता है अपने ब्रेन को चेंज करने लगता है और एक तरीके से एक नया सिस्टम ईजाद करता है जिसको बोलते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी, एक ऐसा सिस्टम ईजाद करता है ब्रेन अपने आप में बनाता है ताकि ये क्या करे रेडिएशन से बच सके, ये क्या हो रेडिएशन से अपने आप को बचा सके, इस तरीके से ये क्या ये काम करने लगता है दिमाग। अब वैज्ञानिक यह बात पहली बार ये जानते हैं, बहुत ज्यादा हैरान होते हैं कि ब्रेन क्या करता है इन्वायरमेंट के हिसाब से क्या करता है, चीजों को अपने आप भाप लेता है और क्या करता है अपने दिमाग को चेंज करने लगता है, क्योंकि जब एस्ट्रोनॉट क्या होता है किसी उसमें होता है, ठीक है, मतलब यान में होता है, तो उसको पता नहीं होता है कि रेडिएशन आएगा या नहीं आएगा, लेकिन एक डर होता है, उसी डर को भापते हुए जो ब्रेन होता है सोचिए कितना ज़्यादा एडवांस है कि नई नई तकनीक ईजाद कर लेता है, मतलब ब्रेन को अपने एक नए ढांचे में बदल लेता है ताकि वो रेडिएशन से बच सके, और इसको क्या बोलते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं एक छोटा सा इमेज है ताकि समझाने के लिए कि क्या होता है, ये क्या करता है अपनी क्षमता को बढ़ा लेता है ताकि रेडिएशन इस पर बहुत ज़्यादा असर न कर सके, और वैज्ञानिक इस बात से बहुत ज़्यादा थे क्योंकि आपको पता है कि वहाँ भी स्पेस में क्या होता है बहुत ज़्यादा कॉस्मिक रेडिएशन है, कॉस्मिक रेडिएशन की ही वजह से दोस्तों क्या होता है आपको बता दूँ कि LTI नाम से, ठीक है, एक प्रयोग चल रहा है, ठीक है, जिसमें ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कॉस्मिक रेज क्या क्या इफेक्ट डाल सकते हैं, क्योंकि कॉस्मिक रेज से बचना थोड़ा सा मुश्किल है। मैं आपको बता दूं कि जो कॉस्मिक रेज होता है वो हमारी धरती में पैदा नहीं होता, वो पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ है। वैज्ञानिक इस चीज़ को मानते हैं कि जो कॉस्मिक रेज पैदा हुई थी वो क्या हुई थी, सुपरनोवा से पैदा हुई थी, मतलब जब ये ब्रह्मांड बना था तो एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ था, उसी के दौरान कॉस्मिक रेज बनी थी। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि जैसे जब कोई तारा सुपरनोवा होता है, जब कोई तारा मतलब अपनी उम्र मतलब इसको आप ऐसे समझिए कि कोई तारा है, ठीक है, उसकी फ्यूल खत्म हो जाते हैं, जब वो ब्लैक होल में बनता है तो एक सुपरनोवा विस्फोट होता है, उस टाइम भी बहुत ज़्यादा कॉस्मिक रेज पैदा होती है। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, कॉस्मिक रेज में बहुत ज़्यादा रेडिएशन होता है, बहुत खतरनाक रेडिएशन होता है जिससे कैंसर होने का भी डर रहता है, ठीक है। तो इस पे लगातार एक प्रयोग चल रहा है जिसमें देख रहे हैं कि जो एस्ट्रोनॉट होते हैं जब उनको हेलमेट पहना जाता है, एस्ट्रोनॉट का हेलमेट पहना जाता है, तो कॉस्मिक रेज जो होते हैं उनको भी भेद देते हैं, उनको भी छेद करके इनके अंदर जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है जब एस्ट्रोनॉट वहां से वापस आता है तो होता क्या, उसके DNA में बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है। अब तो ये जान गए DNA में चेंज होता है, साथ ही साथ ये खतरा बढ़ जाता है कि उस इंसान को कैंसर ना हो, ठीक है दोस्तों। ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जिस पे लगातार वैज्ञानिक काम करें कि उस इंसान को क्या हो, कैंसर ना हो। और क्या बदलाव दिखते हैं दोस्तों, बदलाव इसमें ये होता है कि जैसे जब इंसान वहां से आता है तो उसको सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि जब वो कोई चीज़ वाहन चलाता है, जैसे मान लीजिए कि कोई गाड़ी चला रहा है, कोई कार चला रहा है, तो उसको प्रॉपर बैलेंस नहीं कर पाता है, उसको वो चीज़ समझ में नहीं आती है कि कैसे चलाएं, यहाँ तक कि उनकी याददाश्त भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर होने लगती है, ठीक है, उनको हेलोसिएशन होने लगता है, आपको सोच के ज़रा सोचिए, उनको हेलोसिएशन होने लगता है, उनको चलने में बहुत दिक्कत होती है, ठीक है, उनकी आँखों की जो रोशनी होती है उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, उनकी आई जो मतलब पावर होती है वो कम हो जाती है, ये प्रॉब्लम होती है। एक अच्छी बात भी होती है कि जो एस्ट्रोनॉट होते हैं अगर वो वहाँ से रह के आते हैं तो उनकी हाइट भी 2-3 इंच बढ़ जाती है, ऐसा पाया गया है, तो ये इस वजह से होता है क्योंकि वहाँ पे ग्रेविटी कम होती है जिसकी वजह से ऐसा होता है, ठीक है दोस्तों। तो ये सब सारी दिक्कतें होती हैं, लेकिन एक और शोध हुआ, इस शोध में दोस्तों काफ़ी ये बड़ा शोध था, इसमें बहुत कुछ पाया गया और काफ़ी ये डरावना था जो एस्ट्रोनॉट है उनके लिए, जो हमारे एस्ट्रोनॉट हैं, जो प्यारे एस्ट्रोनॉट हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा डरावना था, क्योंकि जो शोध हुआ उसमें ये देखा गया, उसमें मतलब ये देखा जा रहा था कि जो हमारे रेड सेल हैं उसमें क्या चीज़ें आती हैं, ठीक है, जब रेड सेल बहुत ज़्यादा ख़त्म होते हैं तो उनको क्या बोलते हैं, अमेनिया बोलते हैं, ठीक है, आपको बीमारी होती है अमेनिया। तो जब कोई स्पेस ट्रेवलर मतलब स्पेस में जाता है तो उसको एक बीमारी होने की बहुत ज़्यादा चांस होते हैं, वो होता है अमेनिया, और उसी के तहत कैंसर होने का भी बहुत बड़ा खतरा होता है, इसको हम समझेंगे। देखिए हमारे यहाँ जब किसी को अमेनिया होता है जिसको बहुत दिक्कत होती है, ठीक है, उसमें क्या होता है कि जो आपका रेड सेल है वो क्या होते हैं, धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं, रेड सेल की मात्रा बहुत ज़्यादा खत्म होती है, ठीक है। और मैं आपको बता दूँ कि हमारे यहाँ पर लगभग, ठीक है, बहुत कम सेकेंड में क्या होता है कि लगभग 3 लाख क्या होते हैं, रेड सेल खत्म होते हैं, लेकिन जब वही 2 लाख, हाँ सॉरी, 2 लाख रेड सेल खत्म होते हैं, लेकिन वैज्ञानिकों ने शोध में पाया कि जितने एस्ट्रोनॉट स्पेस में गए थे जब वो वापस आए तो उनकी जो स्पीड थी रेड सेल खत्म होने की वो कितनी थी, 3 लाख थी। कितनी? 3 लाख थी। अब आप बोलेंगे अरे ये क्या है, 1 लाख ज़्यादा ही तो है,
क्योंकि इतने सारे रेड सेल हैं तो बहुत अरबों खरबों हैं, क्या फर्क हो गया? फर्क हो गया क्योंकि रेड सेल बनने की तो स्पीड वही है, खत्म होने की स्पीड बहुत ज्यादा है। इससे क्या होता है दोस्तों, एक तो बीमारी है एमेनिया की बीमारी जो होती है, साथ में कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। इसमें यह भी पाया गया कि रेड सेल के एक वक्त ऐसा भी आता है कि रेड सेल बनने की जो प्रोसेस है वो बहुत स्लो हो जाता है, बहुत ज़्यादा धीमे हो जाता है, जिसकी वजह से इंसान को कैंसर होने का खतरा बहुत गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। क्योंकि अभी तो सिर्फ 6 महीने रह के आए हैं, अगर वही जब मंगल ग्रह पे रहेंगे तो वहाँ पे उनको कई साल रहना होगा, 10-10 साल 20-20 साल रहना होगा, तब क्या होगा? अगर इस स्पीड से रेड सेल खत्म होते रहेंगे तो इंसान बच ही नहीं पाएगा, इंसान खत्म हो जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा वैज्ञानिकों के लिए कि ये जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं इनको कैसे सॉल्व करें, क्योंकि मंगल ग्रह पे आप तो जा सकते हैं लेकिन वापस आना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि इतना पैसा लगेगा, इतनी दूर की यात्रा है, टेक्नोलॉजी इतनी ग्रो नहीं है, एक बार जाने का मतलब है कि आप इतनी जल्दी आ नहीं सकते हैं, ठीक है। तो इस वजह से ये बहुत बड़ा खतरा है कि जब लंबे वक्त इंसान वहाँ पर रहेगा जब इस तरीके से प्रॉब्लम आएगी तो इंसान उससे कैसे बचेगा। अच्छी खबर इसमें यह भी एक चीज़ है कि जब कोई एस्ट्रोनॉट जाते हैं, जितने भी एस्ट्रोनॉट जाते हैं उसमें से बहुत एस्ट्रोनॉट ऐसे होते हैं जो नास्तिक होते हैं, लेकिन जैसे ही वो जब स्पेस में जाते हैं, अंतरिक्ष में जाते हैं, तो क्या होता है कि वो बहुत ज़्यादा आस्तिक हो जाते हैं, वो बहुत ज़्यादा अध्यात्म की तरफ उनका लगाव हो जाता है। शोध में ये भी पाया गया क्योंकि जब वो ब्रह्मांड को देखते हैं तो अपने आप को बहुत छोटा महसूस करते हैं, उनको लगता है कि दुनिया जो बनी है ये ऐसे नहीं बन सकती, और भी बहुत सारे रीजन होंगे वहाँ का ऐसा माहौल होगा जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा आस्तिक हो जाते हैं, जिसमें सारी चीज़ें आती हैं। तो दोस्तों ये छोटा सा लेक्चर था, अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें ताकि आपके दोस्तों को भी ये पता चल पाए कि स्पेस में जाने में क्या क्या होता है। जर्नी इतनी आसान नहीं होती है, बहुत मुश्किल भरी जर्नी होती है, बहुत मेहनत करके लोग वहाँ पर जाते हैं और वहाँ पर जाने के बावजूद भी बहुत मेहनत करते हैं, बहुत संघर्ष करते हैं, ठीक है। तब जाके हमको वो जानकारी मिल पाती है, तब जाके हमको लगता है कि हाँ इंसान भी जा सकता है अंतरिक्ष में, किसकी बदौलत? इन एस्ट्रोनॉट की बदौलत। तो दोस्तों इसको सब्सक्राइब भी करें ताकि आपको ऐसे लेक्चर लगातार मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू सो मच।